अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सदन में पेश इस वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पैरा श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता अपने प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश में इस वर्ष हुए आम चुनाव में अपने दल को स्पष्ट बहुमत मिला और उसके फलस्वरूप यहाँ केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि वास्तव में देश में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा हमारे दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें उस आदेश का स्मरण है और वे उसका तन मन धन से पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करना, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाना, देश के पिछड़े भागों का संतुलित विकास करना, साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता को शोषण से बचाया जा सके। पैरा वास्तविकता यह है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि खेती की लागत में भी काफी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक अच्छे बीजों का आविष्कार किया जाए। आज किसानों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बहुत अभाव है, इनको बनाने के लिए जल्दी नए कारखाने खोले जाएं, जिससे किसानों को जल्दी जल्दी ट्रैक्टर प्राप्त हो सके। हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जाए तो इस समय देश में जो उद्योग कृषि के क्षेत्र में है उनकी उत्पादन क्षमता में दोगुनी वृद्धि संभव हो सकती है। गन्ने की खेती की स्थिति भी काफी गंभीर है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है, मिलों के ऊपर किसानों का कई सालों से गन्ने का मूल्य बकाया पड़ा
है जिसकी अदायगी नहीं हो रही है। स्टॉप।